देखिए, बड़ा मामला उजागर हुआ है और कल पहली बार कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अपने आप को मैनेजिंग वर्कर कहते हैं, सुब्रत राय के खिलाफ मंदसौर शहर कोतवाली पर उनके साथ साथ तीन चार और अन्य जिम्मेदार रीजनल मैनेजर सहित अन्य लोगों के भी FIR दर्ज हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा लगातार 5-6 महीने से हमारी उन मांगों को बल देते हुए, जिसमें हमने चीट फंड कंपनियों से ठगे गए निवेशकों को और ठगे गए एजेंडों को न्याय दिलाने को लेकर के हमने निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, और पहली बार जब दलोदा में मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर कहा था कि चीट फंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी संदर्भ में अभी लगातार चीट फंड कंपनियों के खिलाफ काफ़ी काम हुए हैं मध्य प्रदेश में, विशेष करके ग्वालियर संभाग में और अन्य संभागों में। कल मंदसौर शहर में अगर कंपनी के इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को ट्वीट किया है और सीधा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है, गिरफ्तारी की मांग करी है, क्योंकि धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी पर 10 करोड़ से भी अधिक और 65 करोड़ के लगभग का यह कुल घोटाला उजागर हुआ है। 420 है, धोखाधड़ी है, ठगी है, निवेशक परेशान हो रहे हैं, एजेंट परेशान हो रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी के मन मस्तिष्क पर कोई असर भी नहीं पड़ रहा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई इनको सही जवाब मिल भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में मैंने अभी सुबह सुबह ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि जब कंपनी के इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतन और सोच चिटफंड कंपनियों से जो लोग गिरफ्त में आए हैं उनको मुक्त करना, उनको न्याय दिलाना। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि मंदसौर शहर के कतिपय लोगों ने इस कंपनी की जो भूमियां थी वो औने पौने दाम में लिए, FIR में वो भी दर्ज है। जिन लोगों का पैसा निकल रहा है और कंपनी के इतने बड़े संपदाएं हैं तो उनको नीलाम करके, संपत्ति को कुर्क करके, जब्त करके और निवेशकों का पैसा लौटाया जाना चाहिए। एजेंटों ने जो परिश्रम किया था कंपनी के बिहाफ पर, उनकी भी जो लेनदारी है वो भी लौटाए जाने का काम शासन को करना चाहिए। शासन की नियति, शासन की नीति और शासन की मंशा बहुत स्पष्ट है चिटफंड कंपनियों को लेकर के, तो ऐसे में भी इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति का, इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अगर मंदसौर शहर कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज होती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट और परिणाम भी आएगा।